देखिए, मलेरिया दिवस पे मुख्य उद्देश्य, मलेरिया दिवस हम आज 25 अप्रैल को मना रहे हैं और 16 मई को हम डेंगू वाला भी मनाएंगे। उद्देश्य मुख्य यह है कि संचरण काल प्रारंभ होने वाला है और हम सबको तैयार होके काम करना शुरू करना है। तो कम्युनिटी अवेयरनेस से काम शुरू करते हुए और जो स्वास्थ्य विभाग को काम करना है वो सभी इसमें बस जागरूक हो जाएं और कमर कस के काम करें। जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनको ट्रीटमेंट देना है, जिनको उपचार देना है, जिनको जांचें करनी है, वो लोग भी इस गोष्ठी में आए हैं। और जिनको मच्छर जनित परिस्थितियां नहीं डेवलप होने देनी है, समुदाय में जागरूकता पैदा करानी है या लार्विसाइडल स्प्रे कराना है या फॉगिंग करानी है, वो लोग भी इस गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य किन विभागों का सहयोग है? स्वास्थ्य विभाग के अलावा वेक्टर जनित रोग जितने भी हैं, खाली मलेरिया की मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, सारे मच्छर जनित वेक्टर जनित रोगों के रोकथाम के लिए हम लोग जो है नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास विभाग, सूचना विभाग, इन सभी विभागों से समन्वय स्थापित करके काम कर रहे हैं। और हमारे पखवाड़े में ये सभी विभाग अपना कार्य योजना देते हैं हमको, उस कार्य योजना के अनुरूप काम करते हैं, उपलब्धि देते हैं और उसकी मॉनिटरिंग हम लोग WHO से इंडिपेंडेंट कराते हैं। और जहां कमी पाई जा रही है वहां मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से हम पत्र भी इन विभागों के प्रमुख सचिवों को लिखवाते हैं, क्योंकि हम नोडल विभाग हैं इसके।